नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान की एकड़ी निकल गई है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान घबरा से गए हैं, डर से गए हैं, और डर ऐसा कि भारतीय टीवी चैनल्स पर आज बैन तक लगा दिया गया है। और ये सब मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति का, या फिर कहे पाकिस्तान की नीति का असर है, जिससे पाकिस्तान के होश ठिकाने आ रहे हैं और उसे अपनी असली औकात समझ में आने लगी है। और अब तो भारत और बलूचिस्तान में सीधे बलूची जुबान में मन की बात भी होगी जनाब, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी भारतीय रेडियो अब बलूची भाषा में बुलेटिन पेश करेगा। लेकिन मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, चीन भी बौखला गया है। तो क्या मोदी सरकार की रणनीति कामयाब हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार दिल्ली और लाहौर के बीच में। ये बलूचिस्तान के मन की बात है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन भी रहे हैं और कदम भी उठा रहे हैं। अब तो मन की बात होगी बलूची जुबान में, क्योंकि अब ऑल इंडिया रेडियो पर बलूची भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। सरकार ने बलूची भाषा में प्रसारण को मंजूरी दे दी है। एंड ऑल इंडिया रेडियो ऑलरेडी प्रोवाइड इट्स सर्विसेज इन अ नंबर ऑफ फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस, एंड ऑफ कोर्स फ्रेश सर्विसेज कैन बी एडेड और एग्जिस्टिंग सर्विसेज कैन बी ऑगमेंटेड। बलूचिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर पर मोदी सरकार के आक्रामक रुख से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई और चीन भी बौखला गया है। पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आनन फानन में नवाज सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय टीवी चैनल्स के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। उधर चीन का सरकारी अखबार लिख रहा है कि यह सब कश्मीर से ध्यान हटाने की चाल है, और इसी बौखलाहट में चीन ने पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देने का ऐलान भी कर दिया है। तो क्या वाकई पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ सबक सिखाने की मोदी सरकार की नीति कामयाब हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो आपके लिए बेहद जरूरी है, हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में लोगों ने आजादी की मांग करी है, यानी पाकिस्तान के लोगों ने आजादी की मांग करी है, और पाकिस्तान के डर के विश्लेषण की ये बड़ी वजह है। वजह नंबर दो, भारतीय मीडिया ने दिखाई बलूचिस्तान की बदहाली, पीओके की बदहाली, कैसे ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार का जैसे ही इंडियन मीडिया ने पर्दाफाश करना शुरू किया, घबरा गया पाकिस्तान, डर गया पाकिस्तान। और उसके बाद एक बड़ा फैसला इस सरकार का, ऑल इंडिया रेडियो पर बलूची भाषा में बुलेटिन का फैसला। लेकिन उस फैसले का असर देखिए, तुरंत नवाज सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया और डीटीएच पर तमाम भारतीय चैनल पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया। और मेरे साथ इस पैनल में मौजूद है दिल्ली लाहौर के कई मेहमान। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जनरल जीडी बख्शी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ जावेद इकबाल है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। शफी बुरफत है, जो कि सिंध प्रांत के नेता हैं, वो मेरे साथ इस डिबेट में हैं। मैं इन तमाम लोगों के पास चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आज की डिबेट की शुरुआत करनी जरूरी है। मेरे साथ जावेद इकबाल साहब हैं लाहौर से। इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इतनी घबराहट भी क्यों, इतना डर भी क्यों कि भारतीय चैनलों पर ही प्रतिबंध लगा दिए पाकिस्तान पे? ऐसा क्या दिखा रहे हैं भारतीय चैनल जिससे डर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने तो अभी डरना शुरू किया, आप तो बहुत पहले से डर रहे हैं। आप पाकिस्तानी चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपको कहां लगता है पाकिस्तानी चैनल यहां पर नहीं आते, तमाम चैनल यहां दिखाए जाते हैं? मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा, चलिए ये बताइए, सिंध में
बलूचिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं, तो मतलब मोदी सरकार की नीति काम कर गई। देखिए बहुत अच्छा है, अगर मोदी सरकार के पीछे लग के जो आजाद होना चाहते हैं कल की बजाय आज आजाद हों। देखिए कोई आदमी किसी को जबरदस्ती रख नहीं सकता, ये कश्मीरी तो है नहीं है कि वो तो है, ये तो आज मतलब आप हथियार डालने को तैयार हैं? हम तो बिल्कुल हथियार डालने को तैयार हैं, और कल की बजाय आज लाइनें मिटा दें, आप तैयार हैं? अरे आप हमें अभी एक आपको एक हाफिज सईद से तो निजात नहीं मिलती, यहाँ पे तो करोड़ों हाफिज सईद हैं, फिर क्या करेंगे आप? मतलब करोड़ों हाफिज सईद है, मान रहे हैं कि आप आतंकवादी देश हैं, आप आतंकवाद फैलाते हैं, ये तो बड़ा एक्सेप्टेंस है आपका कि आप एक हाफिज सईद की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो हजार से भी ज्यादा हाफिज सईद है। 20 करोड़ हाफिज सईद पाले हुए हैं आपने, तो फिर आपके मुल्क का क्या होगा जनाब? कहा जाएंगे पेशावर जैसे इंसिडेंट और कराएंगे क्या? कितने बच्चों की मौतें चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर बताइए, बताइए आप कितने कश्मीरियों की मौतें चाहते हैं? थोड़ी तो शर्म करिए जनाब। आप कह रहे हैं आपके पास इतने सारे हाफिज सईद है, हाफिज सईद नहीं हो गया, जावेद मियांदाद हो गया या इमरान खान हो गया, कमाल की बात कर रहे हैं आप? सभी हैं। या आप हाफिज सईद को तमगा मान रहे हैं क्या भाई? आप जो एक हाफिज सईद से इतना डर रहे हैं कि वाशिंगटन और इंडिया दिल्ली जो है, अरे सर वो अब मैं डर का कारण आपको क्या बताऊं? अब मैं आपके डर का कारण आपको क्या बताऊं? पीओके में, बलूचिस्तान में, सिंध में आजादी के नारे लग रहे हैं, भारतीय सरकार बलूची भाषा में AIR का प्रोग्राम शुरू कर रही है, आपने आनंद फानन में सारे भारतीय चैनल वहां बंद कर दिए, डर तो आपको दिख रहा है? बिल्कुल एक बार लाल किले के प्रतीक से नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का नाम क्या लिया, आप डर गए? चाइना के पास लुपक गए? हुआ नहीं हुआ? बहुत डरे हुए हैं हम तो, बहुत डरे हुए हैं। आप बहादुर है ना, जो अपने कश्मीरियों को नहीं संभाल सकते, आप तो बहुत बहादुर है, आप तो उनकी आंखें अंधी कर रहे हैं। हम कश्मीर के मन की बात को समझते हैं और सुनते हैं, हम कश्मीर के मन की बात को समझते हैं और सुनते हैं, तभी मन की बात बलूचिस्तान को बताने जा रहे हैं। भाई बलूचिस्तान और कश्मीर का कोई मुकाबला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुकाबला। आप सही फरमा रहे हैं जनाब, बिल्कुल मुकाबला नहीं, बिल्कुल। मैं चलिए शुक्र है कुछ तो माना आपने जी, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी आपको कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जरूर। देखिए जावेद इकबाल साहब ने कहा बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1927 के साइमन कमीशन के जमाने से लगातार मुसलसल अंग्रेज हुकूमत से बलूचिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए लगातार प्रयास करते रहे थे, और 14-15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान बने तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। तो वाकई दोनों में कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साहब, 70 साल हो गए देश मुल्क की आजादी को और मुल्क के बंटवारे को, आप देखिए कि किस मुकाम तक हम पहुंचे, किस मुकाम तक आप पहुंचे। आज हालात ये है कि अमेरिका की मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए, और अमेरिका की फौजें जाती हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट हंट के लिए। उनकी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल जो है इंफोसिस आती है बंगलोर में, और आप वहां जाकर ओसामा बिन लादेन को खोजते हैं। तो आप सोचिए ना कि आपकी ये मुस्तकबिल क्यों बना है, इस पे आप गौर फरमाइए मेरे विचार से। नहीं लेकिन आप हमारे बाबा जान कब से बने कि आप हमारे मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं? हम जहां मर्जी जाएं आप तो खुश हो जाइए कि आप जो हैं आपने बहुत तरक्की की है, अल्लाह और मुबारक करे, आपको हमारा गम क्यों खाया जा रहा है? ना, हम तो आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, सुनिए जावेद साहब, बलूचिस्तान को तो है ही नहीं, कश्मीर का मुद्दा है। चलिए कश्मीर के मुद्दे पे हम आपसे एक बात कहते हैं, कश्मीर के मुद्दे को तो आप फिर भी एक मजहबी रंग दे लेते हैं कि साहब उसमें हिंदू मुसलमान का इशू है, यूनाइटेड नेशन का रंग। पर ये बताइए, ये बलूचिस्तान में, सिंध में, फाटा में,
जो गिलगित और बल्दिस्तान में जो आवाजें उठ रही हैं, ये क्यों उठ रही हैं? इसका जवाब दीजिए, तो इसका जवाब दीजिए। आजादी की, आजादी की आवाजें क्यों उठ रही है पाकिस्तान के अंदर? क्यों टूटने की कगार पे जा रहा है पाकिस्तान? बुनियादी नाकामी को दर्शा रहा है। आप इन सबको, इन सबको अपने साथ मिला ले ना, आपको गम खाए जा रहा है इनका, अपने साथ मिला ले, हमें छोड़े, बाकी कौन रह जाता है? पंजाबी तो आप सबको ले रहे अपने साथ। अरे अगर ये सब आपके पास से चला जाएगा तो रह क्या जाएगा? फिर लाहौर को लेके क्या करेंगे? कराची को लेके क्या करेंगे जनाब? हम तो कहते हैं भाई, लाहौर और पेशावर से ही आपके हीरो पैदा होते थे ना, हम तो वापस खुश हैं। हम तो कहते हैं कि ये लकीरें खत्म हो और हमारे जवानों को फिर रास्ता मिले दिल्ली और बंबई का। जी जी, जवाब जनरल जी डी बख्शी देंगे। जी डी बख्शी, आपका जवाब क्या है बताइए। देखिए साहब, मैं केवल एडमिरल साहब को बताना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सही फरमाया कि बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर में भारी फ़र्क है। फ़र्क ये है साहब कि जो खान ऑफ कलात था उसका वाइट हॉल के साथ अगर तारीख के मुताबिक जाएं तो वैसा ही रिश्ता था जैसा नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका का है। मतलब वो एक आज़ाद मुल्क था। जिन्ना साहब जब वो बैरिस्टर थे तो उन्होंने उसकी इंडिपेंडेंस का केस तैयार किया था। 11 अगस्त 1947 को एडमिरल साहब, जावेद साहब, वो एक माशाल्लाह आजाद मुल्क करार किया गया था। जवाब जावेद साहब, 8 महीने के बाद अभी आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की फौज को वहां पे जबरन भेजा, जब खान ऑफ कलात ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया, सुन लीजिए, जब खान ऑफ कलात ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया तो आपने जेट तैयारे भेजे, उसकी फैमिली मार डाली। आप हमको आज पाठ पढ़ा रहे हैं इसमें कश्मीर में यही किया था, बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना तो चाहिए। वो आपने जो जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, महाराजा हरि सिंह को किसी ने मारा था? महाराजा हरि सिंह ने तो वो साइन ही नहीं किया था वहाँ के साइन किया। और तो भाई ये बलूचिस्तान जाता ना उस वक्त, जैसे जो गए थे बलूचिस्तान के आवाम आपके साथ हैं आज भी भाई? नहीं, आपको आईना देखने की जरूरत है एडमिरल साहब। नहीं तो ठीक है, बलूचिस्तान का आवाम आज भी आपके साथ है ना, तब था ना आज है। चलिए आपके साथ है, आपके साथ है वो। जावेद इकबाल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। वो आजादी के साथ नहीं, मैं ओके जनरल बख्शी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। तो पीओके की बात करिए, जहां पे आपने इलेक्शन में दबा के धांधली की है। आप देखिए कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आइए आप अपनी बात तो कर रहे हैं, आप ही के घर पे दाने नहीं है, आप ही हाफिज सईद को पाल रहे हैं, अभी आप अपने लिए कह रहे हैं। जावेद भाई आप अपने लिए कह रहे हैं, बात लग रहा है आपके पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली सिखाने। कहावत ये है, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली सिखाने, पल्ले आपके दाने नहीं है। आपकी इकोनॉमी किस कंडीशन में बताऊंगा तो खुद रो देंगे। अभी आप बलूचिस्तान तो यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पे नहीं है सर, कश्मीर सर, बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है अगर मैं बताऊंगा तो अभी आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इंतजार करिए एडमिरल साहब, वो आ रहा है जल्द। बख्शी साहब आप वो जल्द आ रहा है यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पे ले आएंगे। आप चिंता मत करिए, बलूचिस्तान अब यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर ही होगा। मैं 2010 में, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं शफी बुरफत को, जो कि पहली बार इंडियन मीडिया में आ रहे हैं, सिंध प्रांत के बड़े नेता हैं शफी बुरफत। शफी बुरफत बताइए सिंध में कंडीशन क्या है और क्यों सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगित में आजादी के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तभी भारतीय चैनल वहां बैन कर दिए गए हैं। बताइए शफी बुरफत, जर्मनी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे ये चांस दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान है ये एक शरारत थी, एक इंटरनेशनल साजिश थी, और 71 में बांग्लादेश के बाद तो
पंजाब और उसकी जो आर्मी थी, उसके जो लोग थे, उनको अगर जरा सी भी शर्म होती तो वो कहते, भारतवासियों को कहते कि भाई हमारा जो तजर्बा है पाकिस्तान का, मुस्लिम कौमियत का तजर्बा नाकाम हो गया और हम दोबारा भारत का हिस्सा बनते हैं। ये एक 71 के बाद वो जो उनका दो कौमी नजरिया था, दो कौमी नजरिए का जनाजा निकल गया। मुस्लिम कोई कौमियत नहीं होती, ये 71 में बंगाल के आजादी के बाद साबित हो गया। अब जो पाकिस्तान है वो जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है। अब सिर्फ पंजाब का कब्जा है, पंजाब की आर्मी का कब्जा है, और आर्मी का हम लोगों को पता है, आपको पता है, इंडियन मीडिया को पता होगा कि पंजाबी आर्मी सिवाय सरेंडर के और कोई भाषा नहीं समझती, सिवाय सरेंडर के। इसलिए सिंध के अंदर इनको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको क्या सबूत और चाहिए एडमिरल जावेद इकबाल? सबूत क्या चाहिए? लाइव सबूत पेश कराया हमने आपके सामने। जर्मनी से सीधा सिंध नेता मौजूद है और बता रहे हैं आपकी कारगुजारियां। बताइए मोदी जी की आगे सरेंडर कर दिया है? शफी साहब ने दे, मुझे शफी साहब, आपके खिलाफ क्या है कलमा? मुझे बात करने दे, मोदी जी रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अरे शफी साहब, आप किस चीज में? शफी साहब को बात तो रखने दीजिए अपनी, आप डर रहे हैं। जावेद इकबाल क्यों डर रहे हैं? सुनिए ना बात। जावेद इकबाल बात सुनिए, मुझे बात करने दे। मैं बहुत डर रहा हूँ, मैं तो मुद्दा डर रहा हूँ, मुझसे बात। अरे हमारे देश में तो लोकतंत्र है, या आपकी बात भी सुनी जाएगी? पाकिस्तान जो है पंजाबी कब्जे के और कुछ नहीं है। मौजूदा पाकिस्तान सिर्फ पंजाबी फौज का कब्जा है और उसके खिलाफ हम सिंधी उठ खड़े हुए हैं, बलोच उठ खड़े हुए हैं। मैं आपके इस चैनल के मार्फत बताता हूं इस पंजाबी आर्मी को कि हम लोग सिंधु देश की आजादी जरूर लेंगे, हम पंजाबी फौज और उसके बाप के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हम एक नेशन है, हम एक कौम है, हमारी हिस्ट्री है। हम 12,000 साल उस मोनियों की नुमाइंदगी करते हैं। हम आप लोग खिते में बदमाशी नहीं कर सकते। आप लोगों को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है कि आप सरेंडर करना जानते हैं और हम आपका सरेंडर करवाएंगे। ये क्या हमारा वायदा है? हम आपका सरेंडर दोबारा करवाएंगे। आपका वादा जो है ना, आप 10 दफा जन्म ले ले तो आपका वादा पूरा नहीं होगा। शफी साहब, आपका नाम क्या है? हरिदास है या शफी है? आपका कलमा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है या आपका लायदा मोदी रसूलुल्लाह है? महाराजा जाए क्या खुद को समझता हूँ मैं, महाराजा दाहर की औलाद, धरती जो है वो शिव महाराज को देवी की धरती है और हम उस फलसफे को मानते हैं। हम आपके इस मजहब की औलाद को नहीं मानते। शफी साहब, नाम बदलो, शिव मत को मानते हैं। शफी बुरफत, तुम अपना नाम बदलो, तुम राजा दाहर की औलाद हो तो अपने आप को दाहरी कहो, शफी का नाम बदनाम। मैं दाहरी हूँ, तुम तो, मुझे फखर है, मैं दाहरी हूँ। मुझे आप अभी मैं आपसे बात करता हूँ, आज के बाद आप पंजाबी मुझे शफी बुरफत न करें, मुझे आप भैरू मल आडवाणी कहे, मुझे ज्यादा फखर होगा। भैरू मल आडवाणी कहो, मुझे डॉक्टर गुरबख्शी कहो, मुझे ज्यादा फखर होगा। कोई नाम से फखर नहीं है मुझे। जावेद इकबाल, आप तो जावेद इकबाल, बोलती बंद होनी चाहिए आपकी। मुझे फखर अपनी धरती पर है, मैं धरती को अपनी माँ धरती समझता हूँ। जीता जागता सबूत आपके सामने। क्या क्या कर रहे हैं आप सिंध में? जी जी जी, क्या क्या कर रहे हैं आप बलूच में? नाम को छोड़ो भाई, नाम को छोड़ो, हम अपनी धरती से जुड़े हुए लोग। शफी साहब, आपकी बात सुनी गई। शफी साहब, गुजारिश हो रही है, आपकी बात सुनी गई। जर्मनी से हमारे शफी साहब मौजूद हैं। अरे भाग क्यों गए हो अपनी धरती से? पंजाबी फौज का हम उसके बाप के साथ भी लड़ेंगे। हमें सिंधु देश आजाद चाहिए और हम आपके एक बार सिंधु देश आजाद चाहिए,
ये पाकिस्तान के अंदर से आवाज निकल के आ रही है। हमें सिंधु देश आजाद चाहिए। ओके शफी साहब, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करना चाहता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अमीश जी एक बात कहना चाहूंगा। अभी जावेद साहब जिस ढंग से शफी साहब के साथ सुलूक कर रहे थे और जो मुद्दे हमारे सिंध प्रांत की तरफ से आए हुए शफीक साहब उठा रहे हैं, इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि जो मजहबी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था वो लोगों की रीजनल आइडेंटिटी को साथ में रखने में नाकाम रहा। न बंगाली आइडेंटिटी साथ रख पाए, न बलूची रख पा रहे हैं, न सिंध रख पा रहे हैं। आप अपने सिंध के भाइयों से इस ढंग से बोल रहे हैं और हिंदुस्तान को देखिए, आज सिंध हमारा ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट नहीं है, मगर हमारे नेशनल एंथम में आज भी बोला जाता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हमारे कौमी तराने में आज भी सिंध है। इसे कहते हैं कि उस जमीन के साथ एक मोहब्बत रखना, उस तवारीख के साथ एक मोहब्बत रखना, मगर अफसोस है कि जो लोग आपके साथ आए, अरे आप तो उन मुहाजिरों के मुहाफिज नहीं हुए, तो बाकियों की क्या कहा जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जावेद साहब एक बात और थोड़ा बड़ी पोलाइटनेस से कहना चाहूंगा। तो गौ माता भी है, मैं देखा आपकी तो गौ माता भी है शफी साहब, आपकी तो गौ माता भी है ना। अरे सुनिए तो जावेद साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे जी, मैं जवाब दे लूँ जावेद साहब को। मुझे फखर है ना, हमें अगर फखर है, हमें हमारी गौ माता है, हमें फखर है। आप अपने गधे को बाप बनाओ, भली बनाओ, हमें भी फखर है, हमें भी गौ 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 माता आपको तकलीफ है, हमें भी फखर। आपको सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, आपको पाकिस्तान की आर्मी से तकलीफ है जावेद साहब है ना, पाकिस्तान आर्मी से तकलीफ है आपको, पंजाबी आर्मी से तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी से तकलीफ है। ये शफी जैसे जो आपके जो है ना, ये तनख्वाहदार, ये जो है ना, इनको अरे जनाब, बाप दादा किस के पास जो, जो सिंध में आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सारे लोग हमारे तनख्वाहदार हैं, जो बलूचिस्तान में आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे तनख्वाहदार हैं। अगर हमारे तनख्वाहदार हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है, आपका सिस्टम क्या कर रहा है? सवाल की बात कर रहे हैं, घबराए आप पड़े हैं, चैनल आपने बंद कर दिए हैं। हम तो कह रहे हैं मन की बात होने दे बलूचिस्तान में, फिर क्यों करने दे, क्यों करने दे। आप तो जाए, आप और आप एक्सपोज हो गए आज, तो मैं साहब तो मैं रोज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही है। एक्सपोज हो जाए, आप हंसे, आपको किसने रोका है हंसने से? जाए तो मैं बातों को क्लियर करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी एक बात ऐड करना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कहना चाह रहे हैं साहब? अभी आपने शफी साहब से बड़े बड़े जोरदार तरीके से कहा कि वो दाहिर की औलाद हैं या मोहम्मद बिन कासिम की। देखिए 21st सेंचुरी में हम आ गए, साइंटिफिक उसका जमाना है। 20-25 साल पहले कौन किसका बाप था ये यकीनी मामला था, अब डीएनए टेस्टिंग के द्वारा 2 दिन में प्रूव हो सकता है। वैसे ही ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो रही, जावेद साहब बस 10-15 साल रुक जाइए। कौन किसके पुरखे थे ये अब यकीनी मामला नहीं रहेगा, ये साइंटिफिक प्रूफ आपके हाथ में होगा। कोई ना कोई सऊदी अरब का जेनेटिक पूल है, ना कोई मंगोल जेनेटिक पूल है, ना उज्बेक जेनेटिक पूल है, सबके सब हिंदुस्तानी है। आप भी उसी दाहिर से निकले हुए हैं, अगर आप सबके पूर्वज जवाब जावेद इकबाल, मामला 15 साल में साइंस प्रूव करने जा रही है। भारत माता कह रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में आप वाशिंगटन माता भी कहोगे। अरे हमें वाशिंगटन माता करने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट देश हैं। आपके आसार क्या है, आपके हालात क्या है, आपकी जीडीपी बता देती है, आपकी इकोनॉमी बता देती है। आपको अमेरिका चाइना सबकी बड़ी जरूरत है, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी। आप वाशिंगटन को माता भी मानेंगे और पिता भी मानेंगे, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी। चाइना को बेस आपने, अरे जाने दो, चाइना को आपने बेस बनाने के लिए दे दिया। अरे हमारे प्रधानमंत्री से क्या मुकाबला करेंगे आपके प्रधानमंत्री? मैं क्या जवाब दूं आपको इस बात का? कोई मुकाबला ही नहीं है जनाब। तू भूल गए हो, आपकी गले साफ करके दी थी चाइना ने, भूल गए हो? आप तो इतनी मिठाई के साथ बनते हो तो फिर जाके वाशिंगटन की आशीर्वाद। जावेद साहब, आज की डेट में हिंदुस्तान चीन से ज्यादा तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। वी आर मोर फास्ट गोइंग इकोनॉमी देन चाइना। अभी
इस हकीकत को भी समझ लीजिए। अरे सर आप पाकिस्तान के नागरिक हो क्या चाइना के नागरिक हो? आप नागरिक कहते हो? आप पाकिस्तान आप लाहौर में बैठ के बीजिंग की तारीफ कर रहे हैं या चाइना को माथा मार रहे हो अपनी? चाइना को अम्मा मार रहे हो अपनी? आप सवाल उठाए हैं शफी साहब ने, बड़े सीरियस सवाल उठाए जी। मैं ब्रेक लेता हूँ यहाँ पर, मैं ब्रेक लेता हूँ। ये डिबेट अभी रुकेगी नहीं, लाहौर दिल्ली सिंध जर्मनी इस डिबेट में तमाम पैनलिस्ट मौजूद होंगे। आप देखिए इस समय रोष भर चुका है और कोई चुप होने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद बौखलाहट का पूरा विश्लेषण, बलूचिस्तान की बहस से पाकिस्तान परेशान है और हताश भी दिख रहा है। ब्रेक के बाद जारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। आज दिल्ली लाहौर के बीच में और हमारे साथ सिंध से बेहद खास मेहमान हैं जो कि जर्मनी से जुड़ रहे हैं, शफी बुरफत जो कि सिंध प्रांत के बड़े नेता हैं। मेरे साथ इस दौर में नवीद चौधरी हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सुधांशु त्रिवेदी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ, मीम अफजल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। मैं सीधा इस दौर में सबसे पहले कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। आखिरकार पाकिस्तान डर क्यों रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है? सिंध में क्यों आजादी के प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों गिलगिट में पीओके में आजादी के प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों बलूचिस्तान में आजादी के प्रदर्शन हो रहे हैं और क्यों पाकिस्तान बौखला गया है? मैं इस दौर में सीधा रुख करता हूं नवेद चौधरी का। नवेद चौधरी, मेरा सवाल आपसे यही होगा, खुर्रम जाकी का नाम तो आपको याद होगा, आपको ये जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिन्हें कराची में गोली मार दी गई थी, क्या पाकिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा उठाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता और यही वजह है आप मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं गिलगिट में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इसलिए वहां के लोगों का आजादी मांग रहे हैं और इसीलिए आप परेशान हैं? कितने टुकड़े चाहते हैं पाकिस्तान के, बताइए नवीद चौधरी। देखिए बात यह है कि हम परेशान हैं या कि आपके नरेंद्र मोदी साहब परेशान है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन परेशान है। लगता है मोदी जी ने आपको परेशान खूब कर दिया है बलूचिस्तान की बात करके। जब से बलूचिस्तान बोला तब से आप इधर उधर घूम रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी से मदद मांग रहे हैं, जॉन कर, कभी हमारे चैनल बंद कर रहे हैं। इसलिए आप ही ने अपने अड्डे दिए, हमने तो अड्डे नहीं दे दिए अपने, तो आप ही ने कहा चाइना को आपने क्या दिया बताऊ मैं अभी पूरी बात चाइना को आपने क्या दिया बताऊ मैं? आपने बोला हम अपना पोर्टी मैनेज नहीं कर सकते, हमारी हमारा उतना लेवल नहीं है, आप पोर्ट मैनेज करिए अपना। चाइना को आपने खुला आमंत्रण दे दिया। देखे ना, ये वही अमेरिका जिसको आप कल तक गाली निकालते थे, ये वही अमेरिका जब रशिया के साथ आपके ताल्लुकात थे तो आप कहते थे अमेरिका का जो यार है वो गलत है, गद्दार है, ये आज उस अमेरिका को आप वेलकम कर रहे हैं। ये पॉलिसी चेंज होती रहती है, पॉलिसी चेंजेस में आपकी अच्छी बात है, मैं इसमें नहीं कहता कि आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। अब देखें आपके यहाँ एक मरोड़ उठ रहा है कि जब पाकिस्तान एक स्कूटरी रन कर रहा है तो आपके यहाँ एक मरोड़ उठा कि हमारे कश्मीर के इशू को हटाने के लिए इसको कहीं और नए नए एवेन्यू खोले और एक स्ट्रेटेजी आपने बनाई। आपके आज एयर चीफ ये कह रहे हैं कि जी अगर हमें एयर अटैक की इजाजत दी जाती तो पीओके पे भी हमारा के पे भी हमारा कब्जा होता। जब आप वॉर सेंट्रिक आपकी सोच चल रही है और आपकी सोच ये चल रही है कि जंग के अलावा कोई हल नहीं है आपके पास, तो आप कहाँ सोल्यूशन ढूंढेंगे इसको पीसफुल करने का? हमें ढूंढना है, सोच ही वॉर की है, आप क्या सोच नहीं आप है क्या किससे बात करें? आप क्या हाफिज सईद से बात करें, रॉयल शरीफ से बात करें या बेचारे नवाज शरीफ से बात करें? आपका तो लोकतंत्र ही नहीं है, बात किससे की जाए जी, बात किससे की जाए? जब से बलूचिस्तान की बात करिए आपको बात याद आ रही है कि बात होनी चाहिए, जब से सिंध में आजादी के नारे लगे आपको बात याद आ रही है? आपकी सुषमा साहब ने जब पहले घबराए पड़े आप तब से जनाब, आपने खुद ही बैक ऑफ किया, हर दफा बात पे बैक आउट आप खुद करते हैं। बलूचिस्तान कोई इशू नहीं है हमारे लिए, बलूचिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन में नहीं पड़ा हुआ, वो एक एक, एक ऐसा सोचा है जो आपने घर पे बैठ के सोचा कि चलो ये सेलेबल कॉमोडिटी बन जाए, मार्केटियर है, मार्केटिंग के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि मार्केटिंग बेहतर हो जाए,
लेकिन इस तरह की मार्केट चलती नहीं होती दुनिया के अंदर सर। ना कभी एक बात बताइए, अगर सिर्फ मार्केटिंग हो रही होती तो बलूचिस्तान में आजादी के नारे नहीं लगते और शफी साहब सिंध में आजादी के नारे नहीं लगते और शफी साहब जर्मनी से पहली बार इंडियन मीडिया में लाइव नहीं होते। शफी साहब पहली बार इंडियन मीडिया में लाइव नहीं होते, कहाँ गया शफी साहब? जवाब क्या है? देखें, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि एक स्टेट जो साजिश के तहत बनी है यानी पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल साजिश थी पाकिस्तान बनने की। ये भारत की जो एकता है उनकी, उसकी भारत की जो कुव्वत थी उसको तोड़ने की एक साजिश थी, वरना जिन्ना का तो बाप भी पाकिस्तानी बना सकता था। क्योंकि ये तो अजीब एक मजहब का खेज बात है कि भाई करारदाद, किसी करारदाद के तहत कोई मुल्क बनता है क्या? करारदादों से मुल्क नहीं बना करते। ये एक साजिश थी उस टाइम पे कि गर्म पानियों में सोवियत यूनियन को आने नहीं देना था, उस वक्त जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी। आज दोबारा क्योंकि ये साजिश के तहत बना हुआ पाकिस्तान है, ये एक ऐसी रियासत है यानी स्टेट विदाउट नेशन है, ये कोई कौम नहीं है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं लानत डालता हूँ पाकिस्तानी होने पर। मैं सिंधी हूँ या हम भलोत हैं या हम पश्तून हैं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आज ये एक बात सुने, ये पाकिस्तान की सिंध की बात कर रहे हैं, ये आप ये आप ये आप ही के देश में रहते थे, अब जर्मनी चले गए हैं, ये आप ही के देश की बात कर रहे हैं। कहां के रहने वाले हैं? देखें, मैं लानत आप ही को दे रहे हैं जनाब। साइकोलॉजिकली डिफीट है पंजाब और पाकिस्तान की, ये डिफीट है कि ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता, इसलिए चाइना को उन्होंने जसीरा नहीं बिकेगा। चाइना के कंधे पे बंदूक करके ये पूरे खित्ते को जो है वो ये जर्मनी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपको बहुत अच्छे स्पॉन्सर मिल जाएंगे, पैसे दे देंगे, आप अपना खुशी बेचे, रोजगार बढ़ाए, रोटी कमाए, ये साइकोलॉजिकल जर्मनी में बैठे याशी कर रहे हैं। ये लोग समझते हैं आपको क्या पता आ गया जो है वो आजाद होने जा रहा है। चाइना को बीच में ला रहे हैं और चाइना के कंधे पे बंदूक रख के ये पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेलना चाहते हैं। ये पॉइंट है, ओके। मैं मीम अफजल का रुख करता हूँ। मीम अफजल, मीम अफजल, पाकिस्तान की बौखलाहट का कारण क्या है? चलिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है सर, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आपने तो हमारे चैनल बैन करे, हमने तो आपको अपने चैनल पे इन्वाइट करा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मीम अफजल, पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? क्यों पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान में परेशान हुआ पड़ा है जब से नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान की बात करी है? नहीं, इनके रूट्स तो बता दे मुझे, सिंध में क्या है, सिंध से बिलोंग करते हैं? देखिए, बातों की सिंधु देश की जो तहरीक है वो कोई नई नहीं है। तो बहुत से एक्टर बोलते हैं, शफी साहब को तो हमने पहली बार देखा है। इनके सबसे बड़े लीडर थे जीएम सैयद साहब, जिन्होंने सिंधु देश बनाने की खुल्लम खुल्ला वहाँ पर प्रोपेगेंडा भी करते थे और वो जर्मनी से बात नहीं करते थे या किसी दूसरे मुल्क में जाकर के बात नहीं करते थे, वो सिंध के अंदर ही रहते थे और वहाँ की सरकार से लड़ते रहे। तो सिंध के अंदर एक पुरानी तहरीक है सिंधु देश बनाने की। और अब भी आपने देखा कि बल्तिस्तान और दूसरे जो गिलगित वगैरह हैं और बलूचिस्तान है, वहाँ भी ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। पहली बार चूँकि भारत ने इस मसले को उठाया है, भारत के इस मसले को उठाने के बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की बेचैनी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ ही रही है। और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि हमारी तरफ से अगर ये सवाल उठाया जाएगा तो अब तक तो सिर्फ यही मज़ा लेते थे कि कश्मीर को अपना हिस्सा बताते थे, कश्मीर को कहते थे पाकिस्तान बनेगा या आज़ाद कश्मीर बनेगा। तो पहले से अभी आज तक भी क्लियर नहीं है कि उनको आज़ाद कश्मीर चाहिए कि पाकिस्तान में कश्मीर चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब तक तो वो वन वे ट्रैफिक चल रहा था और हमने डिप्लोमेसी, नवे साहब मुझे मालूम है पाकिस्तान में किसी को कोई फिक्र नहीं है, अगर आपने फिक्र की होती तो आज आप इस हालत को पहुँचे ही ना होते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कि वाकई आपको कोई फिक्र नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है और फिक्र ना करने के वजह में आप यहाँ तक आकर के पहुँच गए। थोड़ी देर पहले एडमिरल जावेद आए थे, वो कह रहे हमारे पास 20 करोड़। अरे आप
मतलब बर्बादी की पूरी तैयारी कर रखी है। मैं आपको कह रहा हूँ ये गलत कह रहे हैं आप, 20 करोड़ हाफिज सईद नहीं है, पाकिस्तान के आवाम आपकी इन पॉलिसीज के खिलाफ है। और आप जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी का अपनी ये जो पॉलिसीज थी आपके हाँ, आज आपके लिए खुद एक परेशानी है। वो अपोजिशन में है, लो कॉस्ट हिंदू और हैं, आप वो बेचारे तड़प रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है, हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगी है। हाँ, आपके यहाँ जो आग लगी है उसके बावजूद आप नेहरू जैसे बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, आज आपके पॉलिटिशियन बांसुरी बजा रहे हैं। जी जी जी, आप भी वही इंटरेस्टिंग रोल अदा कर रहे हैं। आपने आप भी वही रोल अदा कर रहे हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉर्मर डिप्लोमेट है और समझते हैं सब चीजों को। ऐसा लगता है पाकिस्तान अपनी बर्बादी देखकर हंसना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को सदमा लग जाता है तो वो रोने की बजाय हंसने लग जाता है। ऐसा कई बार होता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं। क्या पाकिस्तान उस घटना चक्र में पहुंच गया है जहां वो अपनी बर्बादी पे मुस्कुराना चाहता है? डिबेट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार, आज दिल्ली लाहौर में आर पार हो रहा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और अब एक इंटरेस्टिंग बात हम इसमें लेके आना चाहते हैं। पाकिस्तान को तो तकलीफ है लेकिन चाइना को तकलीफ क्यों है, ये बड़ी बात है। जनरल जीडी बख्शी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, चाइना क्यों इतना परेशान दिख रहा है जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है और बलूचिस्तान पर एक्शन हो रहा है, चाइना क्यों परेशान हो रहा है? जनरल बख्शी बताइए। देखिए ऐसा है कि चाइना एक बड़ी यहाँ पे गहरी चाल चल रहा था भारत को आउटफ्लैंक करने के लिए। ये जो सो कॉल्ड चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने बनाई है, ये ना केवल इकोनॉमिक इसका मकसद है, इसका मकसद फौजी भी है। लड़ाई के टाइम पे जहाँ पे सप्लाई आ सकती है, इकोनॉमिक सामान आ सकता है, फौजें भी आ सकती हैं, टैंक भी आ सकते हैं, तोपें भी आ सकती हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सामरिक खतरा चीन हमारे लिए पैदा कर रहा था। नंबर दो, जो पाकिस्तान ने उसको रेंट आउट कर दिया है ग्वादर का बंदरगाह और कहा है कि इसे आप अपना नेवल बेस बनाइए, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा भारी खतरा है। जी। और नंबर तीन, चीन ने गिलगित बाल्टिस्तान जो कि हमारा इलाका है, जिस पे कानूनी हमारा वर्चस्व है, उसके ऊपर उसने जबरन वहां पे जो रोड बनाकर, सड़क बनाकर। जी, मैं बस समय कम है, मैं आखिरी 20 सेकंड, मैं बस आखिरी 20 सेकंड है। जनरल बख्शी आपने अपनी बात कही। मीम अफजल साहब, चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी सब्र खो चुके हैं, चाइना क्यों सब्र खो रहा है अपना? 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड। सब्र खो चुके हैं बड़ी जायज जगह के लिए। मीम अफजल साहब जायज वजह है। जो जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं उन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि चाइना सबसे ज़्यादा परेशान है। वो ये महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान को अगर वो सपोर्ट भी करना चाहे तो टेररिज्म इतना बड़ा मसला है जिसको लेकर पूरी दुनिया का दबाव चाइना पर भी आने वाला है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी आप क्या कहना चाहते हैं, 10 सेकंड। देखिए चीन ने बड़ी चालाकी से ये बांधते हुए कि भारत के साथ कभी वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान का यूज किया और पाकिस्तान पता नहीं किस मुगालते में रहकर उसने आतंकवाद का जो समर्थन किया है और आज उनके घर में जो हो रहा है उसमें एक ही लाइन कहना चाहूंगा जो अटल जी की कविता है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरे के घर में आग लगाने का सपना अक्सर अपने ही घर में सदा खड़ा। शुक्रिया। और अगर 20 करोड़ आप हाफिज सईद पैदा करोगे और जैसा बोल के गए एडमिरल जावेद, तो वो चिंगारी आग बनेगी और उस आग, वो आग जब बारूद से टकराएगी तो पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आग सिंध बलूचिस्तान और पीओके में लगी हुई है, चिंगारी दिख रही है और अब धमाका हो सकता है। नमस्कार, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे।